जादुई पंखों वाली बाला शेरनी अपने बेटे के साथ रघु नाम के एक गरीब शेर के पास आती है। रघु, मैं एक जादुई दुनिया से आई हूँ। मैंने वहाँ से देखा कि तुम कितनी मेहनत करते हो और बहुत ईमानदार हो, लेकिन मैंने ये भी देखा कि तुम्हारी किस्मत में सुख भरा जीवन नहीं है। मैं तुमसे यहाँ मदद मांगने आई हूँ। ये मेरी इकलौती संतान है, तुम मेरे बेटे को अपने पास रखो। मैं इसे अपनी जादुई दुनिया में नहीं पाल सकती, क्योंकि वहाँ इसकी जान को खतरा है। दुश्मन मेरे बेटे को मारकर उसकी शक्तियाँ छीनना चाहते हैं। इसे इसकी शक्तियाँ सिर्फ यहाँ धरती लोक पर ही मिल सकती हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे को पालो। बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा खजाना और धन दूंगी, जिससे तुम अपनी गरीबी दूर कर पाओगे। आखिर वो कौन है जो बाला के बेटे के पीछे पड़ा था, और वो बाला के बेटे को क्यों मारना चाहता था, आइए देखते हैं। बचपन से गरीबी और दुख भरा समय काटता आया रघु शेर आज अपनी फूटी किस्मत देखकर हताश और निराश हो जाता है, क्योंकि आज उसकी पत्नी ने एक साथ 5 बेटियों को जन्म जो दिया था। एक तो गरीबी और ऊपर से 5 बेटियां आ जाने से रघु के परिवार का जीवन बड़ी मुश्किल से कट रहा था। लेकिन इसके बावजूद रघु बहुत मेहनती था। वो सारा दिन अपने खेतों में काम करता, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी उसके खेत में अनाज का एक दाना नहीं होता था। रघु अपने परिवार को लेकर बहुत परेशान रहता था। वहीं उसकी पत्नी रुमझुम शेरनी एक बड़े जमींदार के घर काम किया करती थी। रुमझुम अपनी 5 बेटियों का पेट पालने के लिए जमींदार के घर ज्यादा रोटियां बनाया करती थी, और बाद में बची हुई रोटियों को चुराकर उन्हें अपने घर ले आती थी, और इस तरह जैसे तैसे उनके घर का गुजारा चल रहा था। एक बार रघु परेशान होकर भगवान से कहता है, हे भगवान, ये आपने मेरी कैसी किस्मत लिखी है। 5-5 बेटियां दे दी और मेरे खेत में अनाज का एक दाना नहीं होता। मेरी पत्नी जमींदार की घर से रोटियां लेकर आती है, तब जाकर हमारे घर का गुजारा होता है। इससे अच्छा तो हमें मार दे भगवान, हमें ऐसा जीवन नहीं चाहिए। वहीं रघु की ये सारी बातें रणधीर बाघ और उसके कुछ सिपाही सुन लेते हैं। रणधीर रघु के पास आता है। रघु, मैं जानता हूँ तुम बहुत ही गरीब हो और तुम्हारे खेत में अनाज का एक दाना नहीं होता। तुम बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का पेट पाल रहे हो। मेरी बात मान लो, मुझे अपनी ये सारी बेटियाँ दे दो। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। मैं तुम्हारी इन बेटियों का अच्छे से पालन पोषण करूंगा और बदले में तुम्हें इनकी मुँह मांगी कीमत दूंगा। रणधीर की बात सुनकर रघु कहता है, मेरे पास चाहे कितनी भी बेटियां क्यों ना हो और मेरे घर का गुजारा कैसे भी चलता हो, इससे तुम्हें क्या। मैं अपनी बेटियां तुम्हें कभी नहीं दूंगा। रघु की ये बात सुनकर रणधीर बहुत गुस्से में आ जाता है। रघु, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें एक दिन अपनी बेटियां मुझे देनी ही पड़ेंगी। मैं भी देखता हूँ आखिर कितने दिन तक तेरा ये घर चलता है। ऐसा कहकर रणधीर बाघ जमींदार के घर चला जाता है, जहां रघु की पत्नी रुमझुम शेरनी काम किया करती थी। जमींदार, रघु की पत्नी रुमझुम तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रही है। वो हर रोज तुम्हारे घर से खाना चुरा कर अपने बच्चों को खिलाती है। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना एक दिन वो चालाक शेरनी तुम्हारा सब कुछ ले जाएगी। ये सुनकर जमींदार गोरिल्ला को रुमझुम पर बहुत गुस्सा आता है। रुमझुम जब अगले दिन गोरिल्ला के पास काम करने आती है, तब गोरिल्ला उसे खाना चुराने के जुर्म में काम पर से निकाल देता है। रुमझुम उदास होकर वहाँ से चली जाती है। ये देख रणधीर बाघ बहुत खुश होता है। अब तो उस रघु को मुझे अपनी बेटियाँ देनी ही होंगी, वरना वो अपनी उन 5-5 बेटियों को क्या खिलाएगा। रुमझुम और रघु अपनी गरीबी को लेकर बहुत परेशान थे, और तभी एक दिन और वो रघु को अपने बेटे को देकर उसका पालन पोषण करने के लिए कहती है। शेरनी बहन, मैं आपके बेटे को पाल लूंगा, लेकिन मुझे बदले में धन दौलत नहीं चाहिए। मैं मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर लूंगा। आप जाइए और जब ये बड़ा हो जाए तब आप इसे वापस आकर ले जाना। ये सुनकर जादू शेरनी वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाते जाते जादुई शेरनी रघु के खेत में फसल उगा देती है। रघु जब अपने खेत में आकर फसल देखता है तो उसे बड़ी हैरानी होती है। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली, ये जरूर उस शेरनी ने किया है। शेरनी बहन, मैं तुम्हारा ये सन कभी नहीं भूलूंगा। उधर रघु की पत्नी रुमझुम शेरनी वह बहुत लालची थी। रणधीर उसकी इस बात का फायदा उठाता है और रघु से छुपकर रुमझुम शेरनी के पास आता है। रुमझुम, रघु तो पागल है, लेकिन तुम समझदार हो। तुम अपने घर में जिस शेरनी के बच्चे को पाल रही हो, ये बड़ा होकर एक दिन तुम्हें और तुम्हारे इन 5 बेटे को खा जाएगा। मेरी बात मानो, इसे तुम मुझे दे दो। मुझे बच्चों से बहुत लगाव है। इसके बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा सोना देकर तुम्हें मालामाल कर दूंगा। फिर तुम्हें जिंदगी में कभी किसी चीज की परेशानी नहीं होगी।
रणधीर की ये बात सुनकर रुमझुम शेरनी लालच में आ जाती है और वो जादुई शेरनी के बेटे को रणधीर बाग के हवाले कर देती है। बदले में रणधीर बाग उसे ढेर सारा सोना देकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में आते हुए रणधीर रुक कर कहता है, उस रघु की पत्नी तो कितनी बेवकूफ निकली, हा 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 हा, थोड़े से सोने के बदले मुझे एक बेशुमार कीमती चीज दे दी, लेकिन मैं तो सब जानता हूँ, जब इसकी माँ उस जादुई शेरनी के अंदर इतनी शक्तियाँ हैं, तो इसके बेटे के अंदर तो और ज्यादा शक्तियाँ होंगी। मैं इसके अंदर से इसकी सारी शक्तियाँ निकाल लूंगा और उन शक्तियों से अपनी एक बड़ी विशाल सेना बनाऊंगा। उधर शाम को जब रघु अपने घर आता है, तब अपने घर में इतना सारा खजाना देखकर रघु हैरान हो गया। रुमझुम, हमारे घर में इतना सारा खजाना कहाँ से आया? तब रुमझुम रघु को सारी बात बताती है। मैंने तो उस शेरनी के बेटे को रणधीर को दे दिया, और इसमें दिक्कत ही क्या है, बदले में हमें ढेर सारा खजाना मिल गया। रुमझुम, ये तुमने क्या किया? तुम उस रणधीर बाग को नहीं जानती, वो बड़ा ही जालिम है। उसने शेरनी के बेटे को पालने के लिए नहीं, बल्कि वो उसे अपना फायदा करने के लिए तुमसे लेकर गया है। अब मैं उसकी माँ को क्या जवाब दूंगा? उधर रणधीर एक खंडहर में आकर जादुई शेरनी के बेटे के अंदर से उसकी शक्तियाँ निकालने के लिए एक हवन करने लगता है। वहीं एक दिन जादुई शेरनी वापस रघु से अपना बेटा लेने आती है। तब रघु जादुई शेरनी से कहता है, शेरनी बहन, मुझे माफ कर दो, तुम्हारा बेटा मेरे पास नहीं है। मेरी पत्नी की गलतियों की वजह से वो जालिम रणधीर बाग तुम्हारे बेटे को उठा कर ले गया। ये सुनकर जादुई शेरनी बहुत परेशान हो जाती है और वो अपने बेटे को बचाने के लिए रणधीर बाग के पास जाती है। लेकिन वहीं रणधीर ने उसके बेटे को एक ऐसी जड़ी बूटी पिलाई थी जिससे उसका बेटा पागलों जैसी हरकत करने लगता है। यहाँ तक कि वो अपनी माँ को भी नहीं पहचानता और उस पर हमला करने लगता है। ये देख जादू शेरनी समझ जाती है कि रणधीर बाग ने उसके बेटे के साथ कुछ छेड़छाड़ की है। तब जादू शेरनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। ऐसा करते ही उसके अंदर से एक तेज रोशनी निकलती है और उसके अंदर से एक जादुई सेना बाहर निकल कर आती है जो बहुत ताकतवर थी। दुष्ट बाग, तूने क्या सोचा कि तू मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाएगा? आज मैं तुझे अपनी असली ताकत दिखाऊंगी। इतना कहते ही शेरनी की उस जादुई सेना ने अपने अंदर से आग के गोले निकाले और रणधीर के सिपाहियों पर एक के बाद एक वार किए। रणधीर के आधे से ज्यादा सिपाही वहीं ढेर हो गए। ये देखकर रणधीर घबरा गया। रुक जाओ शेरनी, मुझे तुम्हारी ताकत का अंदाजा हो गया है। मुझे तुम्हारा बेटा नहीं चाहिए, तुम अपने बेटे को वापस ले जाओ, लेकिन मुझे छोड़ दो, मैं फिर कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। तब रणधीर जादुई शेरनी के बेटे को आजाद कर देता है और अपने बच्चे कुचे सिपाहियों के साथ वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। और इस तरह जादुई शेरनी अपने बेटे को वापस पाकर बहुत खुश होती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।